संपूर्ण देश में इस समय दिवाली पर दीपोत्सव को लेकर जहां आम जनमानस या खास तरीके के लोग या संपूर्ण भारतवर्ष में एक महोत्सव सा नज़र आ रहा है, वहीं अब मुश्किलें पुलिस की इस क्राउड को देखते हुए बढ़ जाती हैं। इसी विषय पर हम बात करने के लिए कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी जी के साथ हैं। उनसे पूछते हैं आखिर किस तरीके की तैयारी है जनपद में दिवाली के पर्व को लेकर। सर, किस तरीके की तैयारी है जनपद में दिवाली के पर्व को लेकर? दिवाली में बाज़ारों में सक्रियता बढ़ जाती है, बाज़ारों की रौनकें बढ़ती हैं, लोगों का आवागमन बढ़ता है, खरीदारी बढ़ती है। इसी परिप्रेक्ष्य में बाज़ारों की सुरक्षा, जो कस्टमर्स या जो भी जनपद के नागरिक खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में आते हैं, उनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। बाज़ारों में जो भी बड़े बाज़ार हैं, सराफा बाज़ार हो या अन्य भी जो भी बाज़ार हैं, वहाँ पुलिस बल अतिरिक्त संख्या में लगाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट कपड़ों में भी हम लोगों ने पुलिस को लगाया है कि वह असामाजिक तत्वों पर नज़र रखें, निगरानी रखें, जैसे कि भी कोई भी अप्रिय घटना दुकानदारों के साथ या किसी भी ग्राहक के साथ ना होने पाए। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो स्क्वाड हमारी पूरे जनपद में सक्रिय है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो बाज़ारों में जब भी महिलाएं खरीदारी करने आती हैं तो वह बाज़ारों में सक्रिय रहेंगी, और जो भी असामाजिक तत्व, जो लड़कियों की छेड़खानी और इन सब कार्यों में अगर संलिप्त रहते हैं या कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई करेगी। सर, एक बड़ा सवाल होता है कि त्यौहार का मौसम है ये, दिवाली का सबसे बड़ा हिंदू मान्यताओं में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन किस तरीके से इस तरीके को देखते हैं आप कि चैलेंज है पुलिस के लिए और काफ़ी मशक्क़त करनी होती है इसमें? चूँकि लोगों का आवागमन बढ़ता है, लोग इसमें काफ़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं, तो बाज़ारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है, तो उसके लिए हम लोग पर्याप्त बंदोबस्त हमेशा से करते रहे हैं और इस बार भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था भी एक चुनौती रहती है कि लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो, बाज़ार तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, और जो बाज़ार की गतिविधि है, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का कार्य किए हैं और कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसको सभी अधिकारियों और सभी को प्रॉपर निर्देशित किया गया है कि वह बाज़ारों तक आवागमन की जो बंदोबस्त है उसको भी ठीक रखें और जो भी सुरक्षा के मानक हैं और उसको उसका पालन करें, और जो इन 3 दिनों में दिवाली तक पुलिस को पूर्ण रूप से सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ एसपी कानपुर देहात केशव चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो पुलिस के इंतजाम हैं बाकायदे हमने कर लिए हैं और जगह जगह चौराहों पर, नाकों पर पुलिस की तैनाती भी कर दी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे त्यौहार में कितनी कानून व्यवस्था पर कानपुर देहात पुलिस अमल करती है। जितेंद्र यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर देहात।